चुके हैं वीर अब्दुल हमीद सेतु, जो कि आप देख सकते हैं रेल कम रोड ब्रिज इधर बन रहा है अभी। और हमने आपको नीचे से दिखाया था, सोचा थोड़ा ऊपर से भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो चलते हैं और आगे, अगर ऊपर चढ़ने का समय मिलता है तो ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं वीर अब्दुल हमीद के सेतु के बाद इस पार, जो कि इस पार का आपको दिखाएंगे पूरा, अभी बन रहा है जो, आपको आगे से पूरा दिखाते हैं और पूरा यहाँ का सैर कराते हैं आपको, किस तरफ काम हो रहा है क्या काम। तो दोस्तों आप, हम आ चुके हैं दूसरे साइड के छोर का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर कुछ सीमेंट गिट्टी जो है इसमें पिलर में बन रहा है। और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, अभी हम साइकिल से हैं ये है, तो सोचा कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर अभी काम कितना हुआ है, जो कि वीर अब्दुल हमीद सेतु आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरा आप लोकेशन देख सकते हैं और इधर जो बन रहा है। अभी चलते हैं देखते हैं, अभी पूछने गया है हमारा दोस्त, जो कि पूछने गया है, एक भैया थे वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि JPJ बता देना, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो देखते हैं, अगर जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं जाने देते हैं तो बात अलग है, आपको दिखाते रहेंगे। अगर चढ़ने का मौका मिला तो चढ़ के दिखाएंगे। कौन कौन इसका कंट्रोल करता है भैया? ऊपर ही है। कौन भैया? ऊपर ही है वो, रहते मतलब उसी ने कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं भैया जी? अरे वो नहीं, वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं। तो कौन नीचे लेके आए? वही लेके तो आ रहे हैं अंदर ही है। हम इससे लिफ्ट से जा रहे हैं भाई, देखते हैं अगर जाने का मौका मिलता है तो उससे जाते हैं, देखते हैं गार्ड साहब मना करेंगे। आप पूरा देख लीजिए इधर, पूरा काम अभी प्रगति पर है, पूरा आप देख लीजिए जितना देखना चाहेंगे। इधर पूरा देख लीजिए, पूरा चारों तरफ कुछ इधर क्रेन उरेन पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा आपको दिखाते चलें, लोगों को बताते चलें, पूरा यहाँ पे इतना काम तेज़ हो रहा है कि आप बता नहीं सकते। अब इधर पूरा जो भी है, आप इधर जो भी रेल कम रोड ब्रिज का काम चल रहा है इधर कुछ है, और ये जो ये आप देख रहे हैं रेल कम रोड ब्रिज, ऊपर जो क्या कहते हैं बस वस अगर कार और जाती है तो ये सीमेंट बालू का काम कर रहा है, जो कि माल ऊपर से लेके जा रहा है, सप्लाई कर रहा है। इस टाइम आपको आगे दिखा होगा, शायद नहीं दिखा होगा, आगे पूरा वहाँ पे था, क्या कहते हैं उसके ऊपर ट्रक था जो कि किट्टी उट्टी मिला के सब डाल के और पूरा इसको ढलाई पे काम कर रहा है। तो देखते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे, जो कि एक लोगों से परमिशन लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अगर गए तो आपको पूरा ऊपर से दिखाएंगे कि कैसा बना है रेल कम रोड ब्रिज, जो कि रेल बन गया है, ब्रिज अभी बन रहा है, जो कि अभी जाने वाला रास्ता है उस पर सीमेंट गिट्टी बालू और छड़ और जो लगने वाला है वो अभी लग रहा है। आप पूरा पीछे हमारे देख ही रहे हैं, ये अभी आधा अधूरा काम है, अभी आगे होगा, देखते हैं। दोस्तों अभी इधर काम चल रहा है, कुछ गाड़ी हैं आप देख सकते हैं इधर, अभी ये जो छड़ और उठाता है इधर वो उससे काम चल रहा है, कुछ लोग हैं गाड़ी से, लोग आ रहे हैं कुछ इधर देख सकते हैं लोग। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, ये जो सीढ़ी है अगर इस पे चलते हैं तो इस पे से दिखाएंगे, अगर हम इस पे चढ़ते हैं तो इस पे से देख रहे हैं, ये लिफ्ट लगा हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए और जाने के लिए, लोगों को भारी भारी सामान हो तो इस पे जा सकते हैं आप। तो एक अंकल जी मिल गए हैं जो कि यहीं पे, आप अंकल जी ये बताइए आप यहाँ पे आपका क्या काम है? यहाँ हम लेबर सप्लाई देते हैं। अच्छा, लेबर ओबर देते हैं जो काम पे, कितना रुपए आप देते हैं लेबरों को, ठेका रहता है कि क्या रहता है? नहीं, तिहाड़ी देते हैं। तिहाड़ी देते हैं तो अंकल जी, तिहाड़ी देते हैं, तिहाड़ी कितना देते हैं अंकल जी? 400 रुपया है, 350 है, 400 है। 400 है तो अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं गाजीपुर के। अच्छा, गाजीपुर के रहने वाले हैं आप, एक हिसाब से ठेकेदार माने जी, ठेकेदार हैं। छोटा मोटा? छोटा भैया, छोटा मोटा क्या, चाहे बड़ा करे, ये तो प्रोडक्ट जो बन रहा है तो बड़ा ही ना बन रहा है, आप भी तो बड़े ही हैं। नहीं नहीं, हाँ इसमें लेबर है, कई कैटेगरी बांटा गया है यहाँ पे। तो आपको दिखाया था, कई लेबरों से भी बात किया था मैंने, आगे आपको दिखाया था जो कि कुछ लोगों को पैसा 400 रुपये तिहाड़ी मिलता है, आपको बताया था, जो कि छड़ ओड़ का काम कर रहे थे, जो कि ये ठेकेदार हैं। अच्छा, सबका अलग अलग पार्ट्स बांटा गया है क्या? जी, यहाँ पे अलग काम हो रहा है, उस पार अलग काम हो रहा है। नहीं, काम तो एक ही हो रहा है, हाँ ठेकेदार अलग, ठीक है, जैसे जैसे आप एक ठेकेदार हैं, एक अलग ठेकेदार है, तो गाड़ी आज उस पर चढ़ सकते हैं ना, अभी उसे दिखाना है, अभी एक लोगों ने परमिशन दिया है उस पर चढ़ के, अभी दिखाएंगे उस पर, जा सकते हैं ना। तो अंकल जी ने परमिशन दे दिया है, जो कि ऊपर चढ़ते हैं, रुक जाइएगा, आ रहे हैं हम भी। तो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको, जो कि एक लोग हैं, आपको कहे हैं कि परमिशन दिला देते हैं और दिखा देते हैं आपको, वो बोले हैं कि परमिशन मांग के लाओ और आपको दिखाते हैं, जो कि चढ़ने के लिए बोले थे। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, जो कि इसके माध्यम से ऊपर जाएंगे, जो कि कुछ लोग गार्ड साहब हैं, भैया आप ही चलाते हैं इसे? तो ये चलाते हैं इसे और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कब तक चलता है, जो कि गार्ड साहब इनके माध्यम से। तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो काम कराने वाले इंजीनियर हैं, वो लोग मिल गए हैं, इन सब से बात करते हैं। तो बताइए जी, भैया जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दुर्गापुर के। हाँ दुर्गापुर, अपना मतलब दूसरे स्टेट के हैं, कोलकाता के। आप यहाँ पे क्या हैं? हम एज ए सुपर स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर रहे हैं। अच्छा, इंजीनियर हैं आप, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप?
मेरे इस प्रोजेक्ट में आए हुए हो गया 3 साल हो गया। 3 साल, अब ये लगभग कितने दिनों में ये तैयार हो जाएगा? अभी तो इस ईयर के एंड में ही हम लोग एम लिए हुए हैं, इसका एम था 2019 में, जो कि अब तक क्यों नहीं बना? के बाद डेट एक्सटेंशन हुआ है, उसके बीच में कोविड भी आ गया था, ये भी एक वो इशू है और भी आदर्श इशू है, तो एम है कि इसी साल में। अच्छा, इसी साल में 2000, एक बार तो ये हुआ था कि 2020 तक तैयार हो जाएगा, फिर कोविड के कारण थोड़ा डेट टल गया। तो ये हमारे साथ हैं एक भैया जी और, जो कि ये भी इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हैं, तो ये भी इंजीनियर है, कुछ बताइए इस पुल के बारे में, जो कि कुछ दिन डेट टाला जा रहा है, कभी 2022 हो गया लेकिन इसका बनने में, तैयार होने में 2019 दिया गया था डेट, 3-4 सालों में ये रेल कम रोड ब्रिज बन जाएगा, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ 2022 दिसंबर में टारगेट फुलफिल हो जाए। हाँ। इसी का कोशिश में हम लोग और भी अच्छी दिन भर रातें करके कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेन यही लोग हैं जो कि काम करा रहे हैं, कुछ लोग लेबर लोग हैं, कुछ मिस्त्री, इन्हीं लोग के सहयोग से, इन्हीं लोग की मदद से ये पुल तैयार हो रहा है कि कुछ दिन बाद आप चलेंगे इसी पे रेल से, कभी चलेंगे बस से, क्यों भैया जी? जी, और अपना नाम बताए, शुभ नाम? शुभेंदु सामंतो, अरबे ओपकॉस, कलकत्ता के रहने वाले हैं। हाँ। दोनों लोग से बात किया था, वो कोलकाता का भैया था, सोमोदीप चक्रवर्ती। हाँ। साइट इंजीनियर एक्सपर्ट। हाँ। और आप कहाँ के भैया जी? हम बिहार आरा से रहने वाले, आरा जिला, घर बकौनी बात के डर पर भैया। चलिए, ये बलिया, मतलब बलिया कह रहा हूँ, बिहार के आरा जिला के। आप क्या करते हैं भैया जी? सर्वेयर है। अच्छा, सर्वर करते हैं, मतलब देख रेख करते हैं आप? सर्वेयर मतलब ये लाइनिंग हम लोग देखते हैं, लेवल देखते हैं। अच्छा, लाइनिंग लेवल देखते हैं। देख लीजिए, ये सब कम मदद के वजह से ये पुल तैयार हो रहा है, ना कि एक लोगों के वजह से, क्यों भैया जी? तो चलिए ऊपर से आपको दिखाते हैं कितना अभी बना है रेल कम रोड ब्रिज, पूरा आपको शेयर कराते हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों, लोगों से बात किया, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं और हमारे साथ अंकल जी हैं, जो कि ये अंकल जी, ये कितना लोड ये उठा सकेगा जिस पे हम जा रहे हैं? 8 लोगों को। ये लिफ्ट है भैया जी, लिफ्ट के माध्यम से हम रेलवे वाले पे लेके जाइएगा पहले, ठीक है? रेलवे वाले पर चल रहे हैं, जो कि अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। चलिए आगे दिखा, ये देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों, अभी हम ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, जो कि आज तक कोई नहीं गया, मैं पहला बंदा हूँ जो कि जा रहा हूँ, आपको ऊपर से पूरा दिखाऊँगा कितना बना है, क्या बना है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आप देख सकते हैं पूरा, ये हम लोग ऊपर चढ़ गए, हमारी जो लिफ्ट है वो ऊपर आ चुकी है, रेल कम रोड ब्रिज जो कि जो बन रहा है अभी, आप ऊपर से पूरा ये काम देख सकते हैं। मैं ऊपर पहुंच गया हूं, पूरा ये काम चल रहा है और अंकल जी हमारे साथ है। अंकल जी, आपका काम यही है? आपका शुभ नाम? सुभाष। सुभाष क्या? यादव। यादव जी के हैं भैया, यादव जी हैं, आप पूरा काम देख लीजिए और ऊपर चढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके हैं, जो कि हम चढ़ रहे हैं, आज तक तो कोई नहीं बनाया लेकिन मैं पहला बंदा हूं जो कि मैं इस पे चढ़ा, यहीं से चढ़ के दिखाऊंगा आप लोगों को। देख लीजिए, मैं चढ़ चुका हूं ये पुल पे, जो कि नीचे ये पुल अभी बनेगा, रेल कम रोड ब्रिज, कुछ पटरियाँ इधर लग चुकी हैं, एक साइड की पटरियाँ लग गई हैं लेकिन एक साइड की नहीं लगी हैं, आप पूरा देख लीजिए, जो कि अभी लग रहा है, कब तक लगेगा ये तो पता नहीं, जब लग जाएगा तो पूरा आपको दिखाएंगे, अभी तो मैं इतना ही दिखा सकता हूँ। और इधर और चलते हैं थोड़ा, अब इधर से भी वीर अब्दुल हमीद साइड में है और इधर माँ गंगा है नीचे, और ऊपर काम चल रहा है, क्यों अंकल जी? ऊपर काम चल रहा है ना, किस चीज़ का काम चल रहा है, किस चीज़ का काम चल रहा है ऊपर? सीमेंट वाला, तो ऊपर अभी सीमेंट वाला काम चल रहा है, ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? बस वीडियो बनाएंगे छोटा सा, तो ऊपर चल के आपको दिखाएंगे, अभी तो मैं इसी पे से सोचा आप लोगों को दिखा दूं, आगे से भी पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा, ये पुल आप अच्छे से देख लीजिए पूरा, इसको पूरा अभी बन के तैयार होगा 2022 के एंड तक लगभग, आप पूरा देख लीजिए ये। और चलते हैं दोस्तों अब नीचे, ये नीचे पूरा खाई आप देख रहे हैं पूरा, और कुछ इधर काम चल रहा है, जो भैया जी हमारे लग रहा है अंदर से, भैया जी आपका कर रहे हैं, कुछ बिजी हैं गाना सुनने में, आप इधर से देख लीजिए, आपको इधर से भी दिखा देते हैं, ये रेलवे जो बना है अभी, ये आप देख लीजिए अभी ये बन रहा है। तो भैया जी आप क्या कर रहे हैं? बना रहा हूँ। किस चीज़ का मशीन है ये?
बोल्टिंग टाइट करने वाला है। अच्छा, जो ये बोल्ट टाइट होता है आप उसमें भी आपको मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया जिला घर बकौनी बात कर डर भैया जी। तो ये बलिया के हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बताइए आपको कितना ये लोग देते हैं पगार एक हिसाब से? अरे खाने पीने भर तो सबको मिलता है, सैलरी नहीं पता तो सैलरी नहीं बता रहे। कुछ लोग तो बता दिए हैं, कुछ लोग कह रहे थे तिहाड़ी वहाँ काम कर रहे थे उन लोग को 400 देते हैं। कुछ जो ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने लेके बताया कि लगभग उन लोग को 350-400 लगभग दे देते हैं एक दिन का। तो आप अलग काम कर रहे हैं तो आपका अलग होगा ना? ठेकेदारी से ना है, वो लोग ठेकेदार की तरफ से, हम कंपनी की तरफ। अच्छा कंपनी की तरफ। कंपनी कौन सी है ये? PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अच्छा, तो प्रोजेक्ट का नाम बता दिए हैं। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार प्रजापति। जो कि यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद से रेल कम रोड ब्रिज है, वीर अब्दुल हमीद सेतु तो बगल में है और जो वीर रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है उसके जस्ट पुल के नीचे ये काम कर रहे हैं। तो इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितना मेहनत लगता है। तो और पूरा दिखाएंगे आपको, चलिए आगे। तो साइड से भी आप देख सकते हैं पूरा, ये गम्मा गंगा है इधर और जस्ट बगल में तो वीर अब्दुल हमीद सेतु। चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हम ऊपर का भी काम दिखाएंगे अभी कितना हुआ है, जो कि अभी दिखाते हैं कितना काम हुआ है अभी रेल कम रोड ब्रिज का, जो कि अभी काम चल रहा है। कुछ गाड़ियां यहां पे आई हैं जो कि कुछ लोग काम लोग भी यहां पे कर रहे हैं अच्छे से, जो कि बहुत जल्द लगभग 2022 के एंड तक काम हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हम ऊपर आ चुके हैं जो कि इधर आप देख रहे हैं इधर ट्रक के माध्यम से जो कि रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, बन जाएगा, बहुत काम प्रगति पे है, बहुत जल्द बनेगा। अब कब तक बनेगा ये तो पता नहीं, लगभग लोगों से पूछा मैंने, बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2022 के एंड तक बन जाएगा, क्योंकि कोरोना काल था इसके कारण काम नहीं हो रहा था। तो आप पूरा देख लीजिए, आप पूरा ये देख सकते हैं अभी काम चल रहा है 2022 तक बोले हैं लोग, जो अधिकारी लोग हैं, कुछ लोग जो नीचे थे अभी, कुछ जो क्या कहते हैं इंजीनियर थे, उन्होंने बताया 2022 तक काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इधर काम चल रहा है अभी, कब तक चलेगा ये तो पता नहीं। कुछ इधर लिफ्ट के माध्यम से यहाँ पे कुछ लिफ्ट के माध्यम से आना जाना है और इधर लोहा लक्कड़ देख रहे हैं आप, इधर रखा हुआ है जो कि 2022